भारत माता की जय। और कारगिल में आए तो हमारे टूरिस्ट गाइड ने बोला कि अगर आप कारगिल आए हो और ये LOC नहीं आए हो तो आपका कारगिल आना वेस्ट है। पर ये जो देखा है हमारे गाइड ने आज बहुत कुछ दिखाया। दिस इज़ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर अस, बहुत ही मेमोरेबल रहेगा। वॉइस ऑफ लद्दाख तेंजुक्सिन गामा अस्सलामु अलैकुम व आदाब। दिरिंग वॉइस ऑफ लद्दाख की टीम पो हंदुरमान ललिप से दिखा टूरिस्ट पॉइंट पे का दिखा टूरिस्ट माना मोमे गोंस दोक दिखा यरस दी टेलीस्कोप पना दूरबीन पे नुक दी का योंखाने टूरिस्ट कोन ला यरस ची ची स्थान मजो अति इलाके दे खरखोर पदखान सखों अतस्तान मजो मतलब पाकिस्तानी फौजी बैंकर सखों चीन देखन खों ए एक अस्ताना दे अति शगली मरहूम शगली अस्ताना दो थों चीन देशन खों बैंकर सख दोन थों चीन योग पे ब्रोल में यूलियो दोन थों चीन यूली दे नंग वांग सरदीप से यो दोन थों चीन दोन थों मन खों पसंद मनु पहले का पाकिस्तानी पोस्ट आगे झंडा तांग से देखा दिया खोर पंगाती न्यूज पंगाती पोस्ट आगे गंगाती झंडा तांग से थों मन खों गंगाती झंडा सख थों मन खों मैं जुमे था तीनों वायर ने उसका निशान दी री गो निका दुख से फौज दो निका सो से दुख से दे गो निका थों मन खों ची बात से छात दो निका हेलीकॉप्टर ला छाता या ड्रूले छाता ची बात जिले दे जा संगाता है टीन 10 साल सो सिंगादी का रोड ये रोड पे गाड़ी सखील हुआ देखा ना तीन ही शर्ट चीज हो सिंगादी का दुख सोच में ना जरा ना मैं तकरीबन 10 साल पहले गादी का दूरबीन जा पर स्टार्ट बस बिन स्नान ला चौक स्टार्ट बस गादी का आर्मी अटिस का नेरा जरा ना आर्मी अटिस से दी का दूरबीन जा गज पर हूं जो गरियाब ना स्नान ला सुनते दूरबीन जी खोस देखा ना मियों यों छह साहब का दसा गादी दूरबीन पो ननिंग ना फल्ला दी छारे दूरबीन पे खोस नेरा जरा ना चा को गला रे थो में हिसाब पंगाता दी कमी बाड़े से नु दी का टूरिस्ट बाड़े से ना अती करगी लो पूरा फायदा छ होटल पर छ नु गाड़ी पर छ नु पूरा मार्केट या दुकानदार पैसा छ नु मैं हर लेने नु फायदा टेलीस्कोप बड़े बना फायदा दुख जुदी कच्चा जमा टूरिस्ट मामू मना बारी ओंसों से मा अस्ताचा मशा लोग से छे नुआ चिचकियों से दस फिर भी गा जहां चीचे मंगे बस तकरीबन 11 तारीख से पे यहां जहां ले बचा दे बाकी फिर गवर्नमेंट तरफ नांदी ने का फैसिलिटीज का तो शर मना मामू ओंचा दु पेचा खो मना गंगमा जों से दी का नुखोर ने ओंसे ना सख बस पूरा दे ट्रिप पेना अच्छा सख बस गला चीची गाचा दी कस्ता थोप जरे मने मी मामू गरा दी का जरे छे ना अच्छा जो यरेस खास कर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार अपने ओंसे थो जो रोड हालत मना खराब दुख जो एडमिनिस्ट्रेशन लगातार गुजारिश रोड हालत में खराब देना जना रोड पुनः फलचान बस चौक से चे जर बना गाड़ी माने दी कमी के थो माने टूरिस्ट खर्च के रहा जर ना एर ना गाड़ियाँ यों से ना दी का ना गाड़ियाँ ना खो बस पर जीक से दे गाड़ियाँ लोग से चेंदुक देख का हुरी का गाड़ियाँ दू सा गाड़ियाँ उसे ना यहाँ दिया कना यहाँ गाड़ी अच्छा जीक से खो डूल सो दी कना टूरिस्ट यहाँ लाम पुनः दे कने गाता अंदाजा अच्छा देखो दो चेकना लाम पो फल में दो अपने जीक से नुपा चो ना का तो खो फिर खोआ था आराम बस जिग माजिक पयों से देन यों खान का मस्त है से छेद गाता फायदा छे जा करगी लो पूरा लद्दाख पूरा छे करगी लो बल की पूरा लद्दाख पे फायदा छे दो उस्ताद साहब यरे स्टोरीज खुरे दी कल है जो यरंग और कारगिल मार्केट है नवीन चंद जो दी सख रोड माने खस्ता हाल दुख जो यंता गचुक टूरिस्ट खुरो तने गचुक नक्स बर दुख थों बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहला यंता हुआ है सब लद्दाख पूरा एंटी मीडिया टीम पर शुक्रिया अदा बेत की दिजत ची मांग कुन यंतेस आर गती कंसर्न डिपार्टमेंट ना एडमिनिस्ट्रेशन ना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ना सा दी जगह निकायों से यंतेस लेप चुक्स भी बहुत बहुत शुक्रिया तां दर्शन देना रोड पर से कारगिल मार्केट आना दी हंदुरमान वे पॉइंट सकपा गजुक हालात ची दुख दर्शाओ मना हस्ता खालो जू दी रोटी हालात पो छः हज़ार वाना एक तो रोटी माना दिन दाखो ना हाइड माँ खतरनाक हाइड हो दूसरा गाड़ी दी अनुक पासिंग छा इतना स्पेस भी नहीं है यहाँ अतिर दी रोड पे अनुक दो अच्छा अच्छा टूरिस्ट चामिन कि दी रोड पो सुंदुरमान अति और लास्ट गाँव इनांग दोन गाँव माँ खो पब्लिक गाँव माँ दी भेज डुल बात लिहाजा दक्षान ना खो बिजबियार ला ना खो चलो देना रोड पे क्या सस्का मत पखो अतंग या नहीं दिया कुछ भी कर सकते हैं अतंग दिया जुगाड़ बाइया नहीं गाड़ियाँ पास शिख बारगोज ना यादी का साइड ची माछा ना गजुक शिबार ना रघुनी सीजन पे अनुक मन टफ हो देना दी रोड पो बजाते खुद सर्चिंग ना रहा खान इन दिया अनुक पेशेंट खुरे स्टेन अनुक ना मना गाड़ी गाचंग मना छा जिक्स खान गांग माँ देना सोचे सरचिक मैडम
खूँ ज़बरदस्ती बस हॉस्पिटल गए पेशेंट सिंगा सोखान इन बड़ी मुश्किल लंगा दिया अनु चार पाँच घंटा अंगा कारगिल मार्केट नंगा हुंदुरमन ब्रो अलेबिन मुश्किल लालेबिन दो मन जनवरी फरवरी अनुप दी रोड पो उस टाइम मा खतरा देना दक्षान खुआ आता कंसर्न डिपार्टमेंट ना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ना कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन ला देना गुजारिश इनकी धी रोड पो मेहरबानी गजुक शिबा से एंथेस दुआ वेडिंग बसे दुआ स्पेस फिंग ना गजुक शिबा ना दुआ योस्पारिक फंड सीखता नंगा जुग शिबा से दू मेहरबानी रोड पर मेंटेनेंस बार गोसुक दिका वे पॉइंट पिका दक्षण गाता दुख सी दी वे पॉइंट पिका खोज का नेक्स्ट एक्शन चाह शुरू भी दुख लिहाजा दिका नेक्स्ट एक्शन पे अनुक शायद ना थो मैं सब खो साइट ही डंगा मेरे तंग मामी दुख दिका गाड़ी पार्किंग फिलहाल प्रॉब्लम दुख और दूसरा पॉइंट सीख चाह रहा दिका वे पॉइंट पिका खो दिका वाशरूम चोस दुख लेकिन दे वाशरूम पे अनुक न छू इंतजाम चांग दुख मिंदुक लिहाजा कंसर्न डिपार्टमेंट ना अति कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन न सगा देना गुजारिश जो कि एज ए यूनियन सेक्रेटरी ऐसा भी का दिया गुजारिश इनकी दी का मेहरबानी वैसे दी रोड पर थक ध्यान तंग से दी रोटी मसला जाशिक मेहरबानी अंतः सीरियस लेने चेज बने दी रोड पर इतना स्पेस भी मेत अचा टूरिस्ट सीजन सो सिंदासन गाड़ी इस जो अपा शाह बड़ी मुश्किल ला देना मैंने छा मामी दुख लिहाजा मेहरबानी अति कंसर्न डिपार्टमेंट ला मेहरबानी दी रोड पिका जाशिक ध्यान तंग से दी रोड पर यौस्वारिक स्पेस तंग से चोर गसो अची देना गुजारिश जो अगर जर ना एडमिनिस्ट्रेशन इस क्या रिक फोकस टूरिज्म के तंग जो यंतेस टूरिस्ट खुरे देर आर डेफरेंस यंतेस वी पॉइंट सके स्कोर बे खेर बजो टूरिस्ट प्रमोट बे फिला एडमिनिस्ट्रेशन लग जी बार गोश दो सबसे पहला ना अति टूरिज्म माना सक्ति बस है दिक्कत है दबाव शाजु और अति करगिल अनोक नेचुरल पोटेंशियल्स माना मोमो देना जन्ना जैसे कि आता दिका नो वार मेमोरियल योत दिका नाता दी क्वाचिलो दी हुंदुरमान ब्रो योत अति ग्लेशियर योत सुरू वेव योत गंगमा अति दून गंगमा अति पोटेंशियल माना अति देना योजु लेकिन दो अति टूरिज्म ये अंडर क्यों से दो पूरा डिस्प्ले बॉस अति अची दें हिसाब कह रहा हूँ दो पूरा डिस्प्ले बॉस चाह टूरिस्ट फेत पा पता मिंदु कि टूरिज्म ये दें दू दू मा दुख मिंदुक जर खन सिक्स सो जर बदे रहा जन्ना अची दिन लॉ से अचेस खो पूरा हिस्ट्री तंग माना खो पूरा पता मियो मत कि दू टूरिज्म ये दें मिंदु पनी दू हों दें छिक खो पूरा एना दें जब लिहाजा कंसर्न डिपार्टमेंट टूरिज्म आ देना गुजारिश इन मेहरबानी घर पोटेंशियल सिकत ना मेहरबानी दक्षा अति गा जगह चाह रोड माले बोधना पोटेंशियल होता रोड माले बोधना दोनों का मेहरबानी एंतेस दें बस कंसर्न डिपार्टमेंट यहाँ बो एंतेस मेहरबानी जो इशू इशू खतो लेने मेहरबानी दी कल बार गुस्सुक दिका यहाँ दे चिकची ना चाँस ना लजेस गा जरा पार्किंग दें दचा दूंगा चाँ टैक्सी पान लाना दूसरा खुआ अधिका अरिका वे पॉइंट पो चौसे का स्पेस पो कम रिसोस यारा अरिका तीसरा अंगा जना दे दिया वाशरूम ही खुआ सिस्टम चोस दुख पा लेकिन दें छू मैच चास इतना प्रॉब्लम सोच दुख लेकिन अति एडमिनिस्ट्रेशन ला दू निका मेहरबानी बस दून गाँव में का कंसर्न डिपार्टमेंट खो से दून गाँव में का दसंग अच्छी टूरिस्ट टाइम सो सिंदे दसंग अच्छी दी खुरे लेप सो जो इतना कम से कम हम एट ए टाइम अच्छा दस गाड़ी दी का खुरे लेप सो टूरिस्ट खुरे लेप सो मेहरबानी दू निका दक्षण दिखा दसो वाशरूम चीचो से ना दो अचा लाशी ढिक पिंदुक अता अचा यूज छा मिंदुक लेकिन दोनों छू अमेद पना अता दोन गांव सिस्टम गांव एट ए टाइम रोज दें अता दिखा दसन लिहाजा ध्यान गुजारिश इनकी मेहरबानी करगिल एडमिनिस्ट्रेशन ला दून गांव का ध्यान तह से लस बार गोसु मेरा नाम संदीप है हम बेंगलोर से आए हैं पहले ले गए थे और आज ही कारगिल पहुँचे हैं ये हमारे लिए बहुत ही फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस है कारगिल के बारे में बहुत कुछ सुना था जब हम वॉल ऑफ फेम गए थे कारगिल के बारे में बहुत कुछ सुना पढ़ा उधर पर ये जो देखा है हमारे गाइड ने आज बहुत कुछ दिखाया दिस इज़ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर अस बहुत ही मेमोरेबल रहेगा फीलिंग तो ऐसी आती है हम बस खाली टूरिस्ट बोल के देख के चले जाते हैं बट जो इंडियन आर्मी ने 1999 वॉर के टाइम में व्हाट दे वेंट थ्रू इट और जो आज है उससे हमें बहुत ये लगता है कि वी हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर आवर कंट्री मिलिट्री इज़ द ओनली वन हुज़ बीन सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ फॉर अस इतना ये अल्टीट्यूड पे अभी बोल रहे थे -30, -40 पे ये रह के हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ करते हैं दिस इज़ एन हैट्स ऑफ काइंड ऑफ अ मोमेंट फॉर देम पहले जब हमने टूर में प्लान किया था कारगिल तो था नहीं था गाइड ने हमारा जब प्लान किया था बट हमने इंटेंशनली ये ऐड करवाया कारगिल बिकॉज इतना कुछ सुना था इस प्लेस के बारे में देखना तो बनता ही है और देखने के साथ ये एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में जुड़ जाएगा
ये मिलिट्री का जो उनका जो एक लाइफ है वो हमारे साथ जुड़ जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने ये ऐड किया। और ये आज ऐसा लगता है कि इट्स नॉट जस्ट समथिंग विच यू सी एज अ टूरिस्ट, आई थिंक एवरी वन हु कम्स हियर शुड ऑलवेज फील दैट इंडियन आर्मी इज़ पार्ट ऑफ आर लाइफ। टूरिस्ट बन के जो आए थे, बट आज हम जब वापस जाएंगे, हम इंडियन आर्मी के लिए बहुत एक सैल्यूट करते हैं। वो लोगों ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है हमारे लिए, इससे ज़्यादा वो लोग हमारे लिए, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। इस अल्टीट्यूड पे आके आई जस्ट सैल्यूट देम। हम श्रीनगर आए थे और हम यहाँ से लद्दाख जाने वाले हैं और ले जाने वाले हैं जी सर। और कारगिल में आए तो हमारे टूरिस्ट गाइड ने बोला कि अगर आप कारगिल आए हो और ये LOC नहीं आए हो तो आपका कारगिल आना वेस्ट है। सही। इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे सही में हमको फीलिंग हम जता नहीं पा रहे हैं क्या फीलिंग है। पाकिस्तान बॉर्डर आप सामने बता रहे हैं कि सामने पाकिस्तान, वो जो हरी घास वगैरह है वहाँ पे पूरे पाकिस्तान के गांव वगैरह है, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ से। मेरी रिक्वेस्ट है जो भी यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे ज़रूर आए, LOC ज़रूर आए ऊपर से। नज़ारा मैं बताऊँ ना, मेरे पास शब्द नहीं है, इतना शानदार है। अच्छा अच्छा। अगर कहते ना कि स्वर्ग अगर कहीं है तो यहीं है। अच्छा अच्छा। जम्मू कश्मीर श्रीनगर लेह लद्दाख बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। पाकिस्तान पास में है, हिंदुस्तान भी पास में है, ये खाली एक बॉर्डर है जो अलग कर रही है, बाकी हिंदुस्तान को तो एक ही है कि मिलजुल के रहो, सब एक ही जैसे रहो, हिंदू मुस्लिम सब एक ही होना चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये अलग है वो अलग है। कारगिल में अभी जस्ट अभी पहुँचा हूँ और जो यहाँ का वातावरण है काफ़ी अच्छा है, मतलब जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है काफ़ी अच्छी है और मतलब जो सीनरिक ब्यूटी है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। एंड इसके अलावा रोड नीचे तो काफ़ी अच्छा था, बट ये रोड थोड़ा सा अच्छा छोटा हो रहा है, खस्ता हाल में ही हो रहा है। एंड अभी नीचे से टेलीस्कोप से देखेंगे पाकिस्तान का व्यू अच्छा कैसा होता है, मतलब वो जो फीलिंग 1999 में क्या रही होगी, उन सब चीज़ों के बारे में देख रहे हैं, थोड़ा एहसास करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम इंडियन आर्मी ने कैसे क्या वो चीज़ की होगी। टाइम पहले तो फैमिली वालों ने मना कर दिया कि भैया ऊपर इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, कहाँ जाओगे, कभी गिर विर गए तो कहीं वापस घर भी नहीं लौटोगे, बट वही है ना, मन में जाना था कि भाई लेह लद्दाख जाना है। अच्छा सर। तो बस हम दो लोग निकल पड़े अपनी गाड़ी लेके। मैं अमित सिंह हूँ, मैं पुणे से आया हूँ और मैं अभी जम्मू होते हुए अभी कारगिल पहुँचा। तो यहाँ विजिट करने के बाद ऐसा फील हुआ कि वॉट एवर द इंडियन आर्मी हैज़ डन, ओके दे हैव डन लाइक एक्सट्रीमली डिफरेंट वॉट वी फील, और कैसे वो लोगों इस टाइप से मेहनत करके फाइट करके कारगिल को बचाएं और अपने मतलब कि अपने भारतवासी के जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट किए हैं। कारगिल का माहौल 99 का अगर मैं देखूं मूवीज़ में या लाइक बुक्स में या स्टोरी में, वो टोटली डिफरेंट था। जब आप एक विजुअल आई से देखते हो इन फ्रंट कि पहाड़ कैसे कटा है, उससे उस पर लोग कैसे चढ़ के फाइट किए हैं, कैसे कैप्चर किए हैं अपने जितने भी पोस्ट थे और जो दूसरे के पाकिस्तान के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करके फिर वो कैप्चर करके आगे बढ़े हैं, तो वो यहाँ आने के बाद ही आप महसूस कर सकते हो कि कैसे इंडियन आर्मी ने वो चीज़ को कैप्चर किया है। कुछ कैप्चर तो मैं न्यूज़ में देखा था कि वो नाइट में ही कैप्चर हुआ है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैप्चर सर्टेन पीक इन द नाइट। मकामी, कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।